हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड हैक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कपड़े पर से टी स्टेन कैसे निकाले बताने वाली हूँ। ये मैंने एक सफ़ेद कपड़ा लिया है, ये मेरे थोड़े चाय लिए हैं। अब हम इसमें चाय के दाग हम इसमें लगा देते हैं। जब चाय अगर आपके कपड़े पे गिरे तो आप तुरंत क्लीन करें, वो तुरंत क्लीन हो जाता है, लेकिन थोड़े पुराने होने पर वो क्लीन आसानी से नहीं होता। आज हम ऐसे ही स्टेन को कपड़े से निकालने की क्या ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं चाय के दाग इस कपड़े पे लग चुके हैं, अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसी प्रकार से छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैंने टी स्टेन को लगा के मैंने 2 घंटे से ज़्यादा बाहर रखा था। अब आप देख रहे हैं कि ये टी स्टेन अब मेरा पक्का हो चुका है, और अब मैं इसे क्लीन करने का तरीका आपको बताने वाली हूँ। इसे क्लीन करने के लिए हम लक्स साबुन का यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे किस प्रकार से क्लीन करना है। अब हम स्टेन पे थोड़ा पानी लगाएंगे और हम लक्स साबुन को इसके ऊपर लगाएंगे। हमें अच्छे से जहाँ पे टी स्टेन है आपको सब जगह लक्स के साबुन को अच्छे से लगा देना है। देखिए, मैंने अच्छे से इसे लगा दिया है। अब हम इसे आपस में इस प्रकार से रब करेंगे, और हम इसे रब कर भी हल्के हाथों से इसे रब करके हमें इस दाग को इस कपड़े से निकालना है। देख रहे हैं कि मेरा दाग अब चला गया है। लगभग मैंने इसे तब तक रब किया है जब तक इसके दाग अच्छे से निकल नहीं गए। आपको भी इसी तरीके से आपको रब करना है लक्स के साबुन को यूज़ करके। अब देखिए, मेरे सारे टी स्टेन निकल गए हैं। अब हम इसे वॉश करके आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए कि मेरे सारे टी स्टेन निकल चुके हैं। अब आपको कहीं भी आपके टी स्टेन नहीं दिख रहे होंगे। ये आपने देखा कि ये उपाय कितना कारगर है। आप इसी प्रकार से अपने टी स्टेन को निकाल सकते हैं। लक्स साबुन हमारे घर में हमेशा ही रहता है। आप जब चाहें आप अगर टी स्टेन निकाल सकते हैं अपने कपड़ों से। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।